बैक टू माई चैनल, दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी रिक्वेस्ट चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके हूँ एक सिंपल सी रेमेडी जिसे आप यूज़ करके अपने हेयर को, यानी अगर आपके हेयर में हेयर प्रॉब्लम हो रही है या फिर हेयर फॉल हो रही है, हेयर एकदम ड्राई हो रहे हैं और हेयर एकदम फ्रिजी हो रही है, सो इस नुस्खा को यूज करके आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए नीम लीव्स। तो नीम लीव्स में क्या है ऐसा जो ये आपको इन सारी प्रॉब्लम से दूर करेगी? सो फ्रेंड्स, इंडिया में नीम लीव्स एक औषधि के हिसाब से जाना जाता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव हर्ब है। ये हेयर लॉस को ट्रीट करती है और इसमें होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जिससे ये सारी हेयर प्रॉब्लम को दूर करती है। और नीम लीव्स डैंड्रफ को भी कंट्रोल करती है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हेयर ग्रोथ बढ़ाती है और अगर आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये ट्रीट करती है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही इजी सिंपल तरीका अपनाना है आपको। सो इसके लिए मैंने ले लिया है नीम लीव्स। नीम लीव्स आप दो मुट्ठी ले सकते हैं अपने मुट्ठी के हिसाब से, और आपको चाहिए एक बाउल में, फुल बाउल में बड़ा सा, उस बाउल में पानी, जिसे कि हम उसको बॉईल करेंगे नीम के पत्ते को। तो बॉईल करने के बाद इसमें जो गुडनेस आएगी वो आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। सो फ्रेंड्स, पहले हम पानी को उबाल लेते हैं और फिर जब उबाल आ जाए उसमें हम डालेंगे नीम लीव्स। और आप चाहें इसे मतलब स्लो या धीमी आंच में पका लें या फिर बॉईल कर लें। तो मैं थोड़ी इसमें जल्दी में हूँ तो मैं ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम में उसे बॉईल कर रही हूँ। सो अगर आप लो फ्लेम में करेंगे तो बहुत ही अच्छी रहेगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जब पानी उबल जाए तो उसे नीम लीव्स को डालें। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो है नीम लीव्स को अच्छे से धो लिया है और ये फ्रेश है एकदम। आप चाहें तो उसका पाउडर भी इस तरह से बॉईल करके थोड़ा उसका पानी निकाल कर ये नुस्खा अपना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से बॉईल कर लें और बॉईल होने के बाद उसे ठंडा कर लें, और ठंडा होने के बाद आप उसे छलनी से छान कर इसी पानी को, ज़्यादा आपको उबालना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट उबालना है और उसे पानी को रहने देना है। क्योंकि उसी पानी को जब आप शैम्पू कर रहे हैं या फिर मेहंदी लगा रहे हैं तो उसके बाद जब आप बाल को अच्छे से धो लें उसके बाद उस पानी से अपने बालों को धोना है। और फ्रेंड्स, इसे आप कंटिन्यू करें 1 मंथ। आपको 1 मंथ करने से आपको फ़ायदा उसकी पता चलेगी, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे ट्राई करना चाहते हैं सिर्फ 1 मंथ कर सकते हैं 1 मंथ। सो फ्रेंड्स, क्या होती है कि नीम की लीव्स जो है मेडिसिनल लीव्स है। सो इस तरह से उसे ठंडा होने के बाद 3-4 घंटा सोक करके रख लें। आपको दिख रहा होगा पानी एकदम ग्रीन दिख रही है। सो इस तरह से सोक करके रख लें और जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं तो उसके बाद बालों को अच्छे से धोने के बाद इस पानी से फिर से आपके बालों को धो लें। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि नीम लीव्स बहुत ही इफेक्टिव है हमारे स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी। सो सिर्फ मैं इसे दिखा रही हूँ, आप उस तरह से छलनी से छान लें और फिर उसी पानी को अपने बालों में इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि नीम लीव्स की टेस्ट को पता ही होगा आपको, मतलब वो कड़वी कड़वी होती है, और कड़वी होने की वजह से अगर आपके सिर में मतलब बालों में जुएं हैं तो वो जुएं भी निकल जाएगी और आपके स्कार्फ में जो डर्ट होगी वो भी निकल जाएगी, और फिर आपकी हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, वो झड़ रहे हैं, तो वो झड़ना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं समय से पहले तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और अगर आपके बाल ड्राई है और रफ है तो वो भी ठीक हो जाएगी, और आपके बाल एकदम स्मूथ फील होंगे, यानी बहुत ही सॉफ्ट और शाइन फील होंगे। क्योंकि बाल धोने के बाद जब आप इस पानी में बालों को धोएंगे तो उसकी पानी की परत आपके बालों में आ जाएगी, स्काल्प में आ जाएगी, जिससे
वो स्कैल्प में उसकी गुडनेस काम करेगी और आपके हेयर के रूट भी मजबूत होंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएगी, उसके साथ आपके बाल एकदम ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम दूर होगी और वाइट हेयर की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपको मिलेंगे एकदम काले लंबे और घने बाल। सो फ्रेंड्स, दैट्स द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।